ये हवेली और झोंपड़ी का मुकद्दर फूट जाएगा अगर साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम ये रिश्ते रहे कायम, अगर ये रिश्ते टूट जाएगा तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। बर्बाद कर दिया इन्होंने जो एमपी हूं, एमएलए मांगो, एमएलए मांगो, वार्ड पंच में लड़ाऊंगा मैं। 71 बार लड़ी है खूब अच्छी तरीके से। पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया, पाकिस्तान में क्या है? मतलब ये आयरन लेडी जिसको इंदिरा को कहते थे ना, वैसे ये राजस्थान की आयरन लेडी यही है। मतलब आगे बोली बंद होगी, उरा को शासन देख की जना बोली को नहीं डरता की बोली को नहीं आगे आया बोल दी ना तो शाम क्या घर रोटी कौन खान दिया लोग। डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के लिए अब दिल्ली जयपुर भागन की जरूरत कोनी, क्योंकि थारे इलाके में महालक्ष्मी ज्वेलर्स लेके आयो है उचित दाम पर शानदार वैरायटी के साथ मनपसंद डिजाइन भी। तो अभी विजिट करो महालक्ष्मी ज्वेलर्स शोरूम चिड़ावा व गुढ़ा। राणा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जल को झुंझुनू। और अभी आप झुंझुनू के अंदर मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक गांव आवा है नुआ, और नुआ जो वो मंडावा पंचायत समिति को सबसे बढ़िया पंचायत है, काफी वोट जगह के अंदर ही। तो उरा से आप जानने की कोशिश करांगा कि यह जगह पंचायत है, उरा का जगह लोग ही बेकी तरफ बन को रुझान है और के लागे कि कौन से मुद्दा के ऊपर चुनाव जगह में लड़ना चाहिए, और उरा का जगह लोग ही वोटर्स जगह ही कौन से मुद्दा के ऊपर आपको मत जगह पे देगा और के लागे कि सरकार जगह की तरफ बढ़ती बन दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है, सारी बातचीत करांगा। वीडियो शानदार होना है, शेयर कर देना है लास्ट तक। राम राम जी। राम राम। क्या नाम बता रहे हो? आबिद। आबिद जी, मैं बताओ कि सबसे बड़ी पंचायत यह है मंडावा के अंदर है, कितना के वोट टोटल के अंदर है? समथिंग 7000 के वोट करीब है। पोल कितना हुआ करीब? पोल 5500 करीब। 1500 लोग कट गया। 12 नहीं, अभी बाहर भी है, यहाँ का भी तो कोई नहीं, घर बैठे वोट कौन दी? नहीं नहीं नहीं, बाहर है, बातचीत नहीं होनी चाहिए। नहीं, कई विदेशों में बैठे हुए हैं, कई जयपुर है, हो सकता है वहाँ भी जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई कारण से न भी आ पाए। ये चुनाव की बात भी फकर थोड़ा सा आप पीछे चल जाओ, पास्ट में चल जाओ, हाँ, कितनों के वोट परसेंटेज आ गए कांग्रेस बीजेपी को? तकरीबन कांग्रेस में पक्ष में जाया जाता है यहाँ का वोट, लगभग 65-35 बिल्कुल। अब का क्या लगा? अब क्या बढ़ोतरी है 70% पे, लगभग 70-30 हो जाएगी। 5% बढ़ेंगे जी, 5% बढ़े बार कांग्रेस का वोट, पैसा बता रहे हैं के कारण ये 5 को नहीं है तो 85% जाएंगे साहब। उरी मतभेद उधर दो, मतभेद तो टोटल की बता रहे हैं। अच्छा, वोटिंग हो जाएगी, मतलब यहाँ पे कांग्रेस आगे है। अच्छा, 85% वोटिंग होगी, अभी 85% कांग्रेस का जाएगा। आप एक सवाल मेरे से और पूछो, तार से पूछूंगा मैं, क्यों तो मेरा पहला काम है, क्यों तो मैं पूछू थे, मैंने कहा कि 85% वोटिंग होगी, अभी 85% कांग्रेस का जाएगा। पड़ेंगे ना 85% कांग्रेस जाएंगे, जो वोट पोलिंग होगी ना 85% कांग्रेस के। मैं कहूंगी क्या लगा कि बढ़ोतरी क्यों हुई है, क्या कारण? बढ़ोतरी काम किया साहब कांग्रेस ने, क्या काम करे? अभी आप, मैं अभी गरीब आदमी कल परसों ले गया था चिरंजीव योजना, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग सकल को देखा है, रुपया बढ़ने के लिए 15-20 हजार रुपया चाहिए उसको प्राइवेट उजाड़ के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल के तो आराम से इलाज हो रहा है उसका, एक गरीब आदमी का। दूसरी बात, अब ये जो ऊपर वाली सरकार है अग्निवीर क्या है, बर्बाद कर दिया इन्होंने जो। अग्निवीर की बात कराऊंगा, अग्निवीर की बात कराऊंगा लोकसभा चुनाव के अंदर, अभी अभी समय बचे, अभी के अंदर विधानसभा का चुनाव है, राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान के अंदर पंजाब और हरियाणा की लेके आ रहे हैं ना कि उनके नाम से, मतलब अग्निवीर दिया उनके नाम से वोट दे दो, मतलब ठीक है ना, तो बर्बाद कर दिया जो युवाओं लोगों ने, ठीक है ना। मेरे हिसाब से यहाँ पे कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही आएगी साहब। एक सवाल से मेरा और ले लो कि हरियाणा के अंदर पंजाब के अंदर पेट्रोल की जगह रेट बहुत कम है, राजस्थान में ज्यादा क्यों? मैंने सब हरियाणा में, मेरे को नहीं, आप बता देना था ना, आप हिमाचल के अंदर बात कीजिए, वहाँ पे डोगरे फौज में ज्यादा है और डोगरों ने समझा दिया कि अग्निवीर क्या होती है। अब आप भी मैं समझ गया, और अब भी मैं समझ गया, राजनीति में जुड़े रहोगे, कोई सरपंच सरपंच पार्षद रेड होगी, फौजी आदमी हो कोई गुंडेड हो, फौजी आदमी हो तो राजनीति में जाओ, तो भविष्य मान लो कि बिल्कुल उज्जवल है, उज्जवल है तो सरपंच है पीछे, बात बहुत बढ़िया नहीं, हकीकत है साहब, ये फौजी आदमी हूँ, राजनीति जानता नहीं हूँ बिल्कुल ही। सच्चाई ये है कि आज अग्निवीर बना दी इन लोगों ने, और वही करेगा हमें वोट दे दो पार्टी है, फोटो लगा लगा कर कैसे वोट दे बताओ मेरे को आप। अग्निवीर क्या है आप खुद समझिए, अग्निवीर क्या है, मेरे ग्राउंड में सुबह 5 बजे से लोग 500 लोग भागते थे, वो सारे बंद हो गए, उनको पता है कि भागने से फायदा है नहीं, जाएंगे वापस घर भेज देंगे हमारे। अग्निवीर की चर्चा राजस्थान की बात कर, राजस्थान में किसों के काम है 5 साल में? 5 साल साहब बढ़िया काम हुए, बढ़िया काम है, बढ़िया काम है, आपको चेंज करने की जरूरत होंगे फिर? ना, कौन करने से, फिर आपका और बढ़िया कर दीजिए ना, आपके कल्याण और वजूल लियाऊंगा, वजूल लियाऊंगा, दूसरी सरकार आप इसे बढ़िया कर दे देना, क्या करूंगा साहब, मतलब ही कौन है, मतलब ही कौन है, मतलब ही कौन साहब। हाँ, अड़ेसी डायलॉग आया, क्या बताओ आया करे, ये ना बढ़िया काम तो। अच्छा, आरोप के आज जा ना, आज जा तो वोट तो मैं ही दंगा दे, वोट तो दे दूंगा, पब्लिक ही बुलाओ जी, वो तो सरकार तो पब्लिक ही बनाओगी। हाँ, कड़ी चेपरे आप गड़ा है, आप गए 7 पर, 7 पर है, 1% है, आप गए दंगा एक वार्ड पंच किसी जगह जाऊंगा। अच्छा, क्यों? एमपी हूँ, एमएलए में आगो, एमएलए में वार्ड पंच में लड़ाऊंगा मैं।
बिम तो देवा बोटिया बा बिम भी कोंदा में तो बिम भी कोंदे ना के बात है मन कोन मिला है के बात है मन कोनी गणी कोन मिले मारा गण कोन मिले तो काम तो क्यों करें कोनी कन जा जरूर क्या लिए भाई जरूर क्या मारे जरूर क्या मारे भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है बिल्कुल बिल्कुल है और सांप्रदायिक सौहार्द भी है बिल्कुल लेकिन एक तरफ पार्टी जो है वो इस सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर वोट लेना चाहती है तो ये पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इस चीजों को स्वीकार नहीं करते स्वीकार कौन करें सिर्फ राजनीतिक पार्टी कांग्रेस लेकिन सामने वाली जो पार्टी है वो राजनीतिक पार्टी नहीं है वो धार्मिक पार्टी हो रही है वो धर्म के आधार पर लड़ाकर वोट लेना चाहती है तो यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं ये नुआ पंचायत जो है वो पढ़े लिखी और क्या कहते हैं अधिकारियों का गांव है अच्छा। पूरा तो इसके अंदर सब समझदार हैं यहाँ कांग्रेस मतलब भाईचारो जगह वो खत्म होने नीचे बात यह है कि चुनाव जगह बता जाता रहेगा तो दो एक बना को मनाए को लफड़ा है बाद में अपन रहो हो रही सागा है सही है ये नाम बता रो मारो अभी दिल्ली नाम है तो मुझ जोरदार कर रहा है मुझ तो साफ हो जाए सरपंच जी ये वो थारा सरपंच प्रतिनिधि प्रतिनिधि तो एक ही बात है वो तो ठुके से थारी चला है के हाँ तो हिसाब भी बनाए मुझा को आंटी देगी और ऊपर और कुरान थोड़ी जान नीचे नहीं होनी चाहिए नुआ गांव का सरपंच की पब्लिक जनता है साकी साहब जनता है मुझ जनता ये बातें हैं हम मुझ तुम्हारी जनता ही है किसों के काम हुए नुआ के अंदर पीछे विधानसभा के विधानसभा में काम भी हुए रोड़ा को काम हुए है दो स्वास्थ्य केंद्र मिरवास और श्यामपुरा केंद्र बना है पावर हाउस बना है बिजली का जो हमारी बहुत बड़ी समस्या थी तो काम तो काफी हुए रोडो काम हुए अभी चार इससे पहले भी 5 साल बीजेपी की सरकार थी टाइम काम भी टाइम साहब हमारे गांव में कुनी हुआ काम एक ही कुनी बिग के ही सब रूप है साहब आके नरेंद्र जी को लड़को बैठ हुए हमारे ही ग्राम पंचायत के मैं श्यामपुरा गाँव आवे जो पिछली बार एक तरफो गाँव गए थे और इस बार बैठे साहब 60% ने भी गाँव से वोट ने विधायक जी मिल रही चलो सरपंच जी हो तो बनाता होगी 500 वोटों की लीड लेके जागी मानो ठीक है मैं तो राजस्थान में क्या की सरकार आओगी राजस्थान में साहब लाग रहे है कांग्रेस की सरकार आओगी क्या सीट मानो सीट लमसम 120 के आसपास मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी पायलट जी की अब हमने काम करते साहब अशोक गहलोत जी को देखा है उनकी योजनाओं को देखा है अभी तो दूसरे ट्राई करो कुरान के वो किसको काम कराया है वो तो देखो आला कमान जाने साहब क्या करे क्या नहीं करे लेकिन हमारी इच्छा ये की इच्छा यही है कुछ तो और मौजूद था राम राम नाक नाका बैठे कहीं मुस्कुराओ तो मैं तो वोट यो और हाथ न चेपांगा क्यों क्या की सेवा करी हमारी और क्यों क्या की सेवा करी है मंडाव में के पंचायत समिति 3 वार्डंग से खोल दिया तारा के फायदा होगा तो बुढ़ापा में कहेगा बुढ़ापा में तारा ही होगी पेंशन पंचन दी कौन दी पेंशन घनी आवे टावर कमाओ खाओ मैं माला पेंशन आ रही है दोनों मियाँ भी खावा वाह पेंशन आ रही है चिंता है मुस्कुराहट जना है मैं देखो चुनाव की है चुनाव वाली गुना है ना पेंशन ही मुस्कुराहट है हेलो जी राम राम क्या नाम बता रहा हो मेरा नाम सलीमुद्दीन तो थे भी मन लगा 12 कमाया दिखियो 12 कमाया के काम करियो आर्मी आर्मी माँ क्यों घड़ी घड़ी पे रखी तो मैं तो आर्मी के अंदर भी एक अंकल जी और बता रहे बोले अग्निवीर की बात कर रहे हैं और कर रहे हैं तो बर्बाद तो कर दिया देश को ये जो है 8 साल जो है वो अच्छे नहीं निकले अच्छा ये देश के लिए हानिकारक विधानसभा चुनाव की बात कर ले राजस्थान के अंदर के लागू विधानसभा से वो सेंटर की बनती है देश के सवाल है हमारे देश का सवाल है तो हमका देश का वेलफेयर देखते हैं लड़ाई भी लड़ी के थे बॉर्डर पर लड़ाई है लड़ी है 71 मार लड़ी है खूब अच्छे तरीके से और बहुत एरिया कैप्चर किया है पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया पाकिस्तान में क्या है बराबरी कौन रही कुछ क्यों क्यों तो बर्बाद होगा हाँ जी राम राम जी राम राम जी क्या नाम बता रहो सरवर खान तुम बताओ की क्या माहौल लगा था नूर नुआ को तो साहब कांग्रेस को ये माहौल विधायक जी काम करे जब भी समस्या लेके गया ना अपन पूरी करी है नहीं लेके जाओ लापरवाही मारी होगी पिछले दिनों की बात है 2 ट्यूबवेल एक साथ ब्लॉक हो गया मतलब भितरी बढ़ गयो या मान लो ठीक है बोरिंग खराब होगी लेके गया 20 दिन में प्रस्ताव बना के दोनों ट्यूबवेल चालू कर दिया बराबर सप्लाई हो रही है पानी की नहीं 24 घंटा से वो लगी थी 15-20 दिन तो काम तो करी है और 2 रोड मांगी कि सीधा जयपुर से जुड़ जाए दोनों रोडों का काम चालू है GSS दे दियो अब नहीं थे मांगो ही नहीं ना तो घड़ो मिला बाकी एक काम करो एक मेट्रो और मांग लो धुंधो हड़ तक की मांग लेगा मांग लेगा खाटा खोला हमने पड़ता खाटा खोला भी बंद हो जाए यही बात है कि मांगा ही ज्यादा घड़ो मिला मांगे तो मिली जाए की चीज मांगी है मिली है आपका मेट्रो काम लापरवाही रही है अब है क्यों बता रहे हो पढ़ी लिखी है समझदार है नॉलेज है काम करने की क्षमता है बिल्कुल इच्छा शक्ति होनी जरूरी है क्षमता तो भी कोने कई बार काम कोने करी लोग ये थोड़ी है इसने कोई घर थोड़ी बनाए राजनीति के अंदर रहकर घर थोड़ी बनाए आज इसकी संपत्ति के अंदर दूसरों के साथ में तुलना करेंगे तो देखो इसके फादर भी राजनीति के अंदर रहे हुए हैं MLA भी रहे हैं MP भी रहे वो मिनिस्टर भी रहे हैं लेकिन आज जो ये धरातल से जुड़ी हुई लेडी है और काम करने वाली लेडी है और काम करती है तो इसको
एक इसकी एक खासियत है, मतलब ये आयरन लेडी जिसको इंदिरा को कहते थे ना, वैसे ये राजस्थान की आयरन लेडी यही है। राजस्थान की मत अगर झुंझुनू की बोलेंगे तो राजस्थान की आयरन लेडी बताती है, और एक बहुत ही खास शख्स हमारे साथ मौजूद है और मेरा बहुत ज्यादा प्रिय है। तो सबसे पहले तो तारो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बातचीत आप बाद में कहा चुनाव की बढ़िया सी शायरी हो जाए, क्योंकि तारो शायरी को मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, जिस हिसाब से कमेंट वगैरह करो तो बहुत ज्यादा पसंद मेरी चीज आऊंगी। कोई एक शानदार कोई शायरी चुनाव लेगी, हमारे चंदन लेगी, थारन लेगी, कोई जगह। तो सबसे पहले तो झलको झुंझुनू का नुआ की सर जमी बहुत वेलकम कर दिए। अरुण जी आप मुझसे सवाल ना करें और मैं खुद ही बिल्कुल अपनी जो जो आपको पसंद हो उससे मैं शुरू करता हूँ। हवेली और झोंपड़ी का मुकद्दर फूट जाएगा अगर साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम ये रिश्ते रहे कायम, अगर ये रिश्ते टूट जाएगा तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ, ये लोकतंत्र का बहुत पावर एक त्यौहार आ रहा है 25 नवंबर को, तो बिल्कुल आप मत के लिए निकलें, मत करें। और मैं यही चाह रहा हूँ, देखिए जो देखिए बहुत से बड़े बुद्धिजीव पढ़े लिखे लोग खड़े हुए हैं, अभी सरपंच हैं हमारे बड़े भाईजान हैं सुविधा रानी सर हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको। मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी को इंडिविजुअल टारगेट नहीं कर रहा, मैं वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो अदरवाइज कोई भी, लोकतंत्र है सर, इसमें हर आदमी को अधिकार है लड़ने का जीने का। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, भाईचारे का जो प्रतीक है हिंदू, गंगा जमनी की जो तहजीब है, ये बिल्कुल खत्म नहीं होनी चाहिए, कायम रहनी चाहिए। बिल्कुल मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं ये चाह रहा हूँ इलेक्शन हो जाए, आपस में लड़ ला जाओ, विकास को क्या नहीं होने चाहिए। बाकी जो काम करेगा धरातल से जो जुड़ा हुआ है, अवाम समझदार है, मंडावा ही नहीं बल्कि 200 विधानसभा है, सब समझदार है, बुद्धिजीव है, किनको क्या करना कैसे करना है, पढ़े लिखे लोगों की बात यही है कि विकास और काम देख की वोट देना है, और साथ में जो भाईचारा है वो कायम रहना चाहिए। हाँ जी राम राम जी बोले को रहा तो मैंने आने बोले बोल तो लग रहा हो रहे हो मतलब आगे बोली बंद होगी उरे को शासन देख की जना बोली को नहीं डरता की बोली को नहीं की आया बोल दीगा ना तो शाम क्या घर रोटी कौन खान दिया लोग आ सच्चाई है और पूछ लियो दरी कौन दे टाबरा को बताना हूँ, एक ही कौन दे टाबरा को बताना हूँ, मर्जी देगा बिल्कुल मर्जी हूँ पांच साल के पीरियड में नुआ पंचायत के अंदर कोई काम को नहीं हो। और जो कांग्रेस के रीटा चौधरी विधायक है तो उरे आई आई जना ये समस्या बताने गया जना गांव का जो सरपंच अभी नहीं गली में ही को नहीं आने दी, बोले बोले करवा देगा करवा देगा, मतलब देखने भी ना आनी गुन दी। यह चीज सच्चाई है और कटु सत्य है। नुआ गांव के अंदर यदि एक भी ईंट कांग्रेस की थे मान लगा बता दो बतला नहीं थी दूर में आगे थे भाग आगे भागो हो राम राम दादी का भरोसा को रोटी लेने वाली बीजेपी ने वोट कांग्रेस मान पंच देने लाग रही गेहूँ देने लाग रही केकुन देने लाग रही बीजेपी बढ़ाएंगे ये मतलब है बीजेपी को कांग्रेस ने मतलब है बीजेपी को कांग्रेस केकुन दे रही 200 यूनिट बिजली फ्री देने लाग रही रिटा बहुत काम करे बात बोला क्यों करे उठ की बोले अब तो बाकी आ गया सही सही बात भी बात है। अच्छा उड़ रहे हो मैं बताओ अबारो भाई क्या कहो मेरी बात सुनो रुको पेंशन दे रही है ना गवर्नमेंट तो कौन सी जजेकारी कर रही है अभी पेंशन से कुछ नहीं हो कमाना पार पड़ेगी साहब समझ रहे हम बड़े कमाने जाओगे तो जी अब बुढ़ापन तो पेंशन लेनी पड़ेगी आपसे आपसे मैं बताओ बाप तो ऊपर चले गए फेरे में तो कमारे हो जो मालूम छोटो ताईजी होटल लग गया था डर क्या लगा बात बाप खाट में बड़ी है रोटी कौन देगा ना रोटी खा लगी खुद खाऊ मैं हाँ आजो तभी खा लो चाहे आ जाओ चलो मत रोटी खा गया हाँ और मुर्गी बनाई चार मिनट लगी
ना यो काम तो देख रहा हूँ, मैं तो मान लो काम कर लिया, मैं मान लो काम कर तो काम देख रहा हूँ जी। राम राम, क्या नाम बताओ? उमेद सिंह। उमेद सिंह जी, सुना था की क्या डंग रहा है तारनुआ गांव को, कठिन बीजेपी कांग्रेस कठिन एरिया कर रहा है। नुआ का बीजेपी का लीड निकलेगी, लीड निकलेगी तो क्या लग रहा है सरकार दिख रही तरह? सरकार तो देखो निश्चित रूप से कांग्रेस का बराबर काम है, कठिन भी दास के बात है। कठिन दास के काम कुम किसो के है, 5 साल बता रहे हैं बढ़िया करियो है। गांव में तो नहीं करियो है, हालांकि कांग्रेस को ने रिटा करियो है। अच्छा। लेकिन सरकार मतलब गलत भी बढ़िया चलाई है, और केंद्र में बीजेपी सरकार है बढ़िया चली है, बढ़िया बीजेपी की पूछा गाड़ मन पूरा वोट मान रहे। अच्छा। कुछ युवा शक्ति भी मौजूद है, वोट बांट पटना के वोट बांट भी कड़े पटना लागा है। आप कौन पड़ेंगे? कड़ा से पड़े तो भाई क्या कहा था, वोट दोगा? कोई विकास दिखा है, कोई युवाओं की मांग है, कोई बेरोजगारी क्या पर है? हमारी तो देखो साहब बेरोजगारी वाली है भी, फॉर्म फॉर्म भर रहे हैं, वो गलो सरकार है, वो बाट देख रहे हैं नक्को के हम लाग रहे हो फिलहाल। अब कड़े गलो सरकार, अब कोई की अब तो आधार संहिता लाग गई, अब तो सरकार तो आ गई है, आचार संहिता तो अब लग गई है। हाँ। गल ना कोई लाग रही है आचार संहिता तो अब महीना 20 दिन में आ गई की सरकार बना रहे होते, क्यों उम्मीद लाग रही था ना? उम्मीद तो मैंने तो देखो फिलहाल तो गलो सरकार से लाग रही है, गलो सरकार से लाग रही है। सबको लोग आपको मतलब कुछ को मानना है की कांग्रेस देखिए वाली लीड निकलेगी, और कुछ को मानना की बीजेपी देखिए से लीड निकल, थाना के लगाए करे थे भी नुआ गाँव से हो या फिर मंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो, तो के लगा की तरफ जगी है मंडावा की सरकार जगी है और बनती दिखाई दे रही है, और कौन से मुद्दा के ऊपर मतदान जो है वो करना चाहिए, माने जरूर बताओगा। वीडियो शेयर कर देना है और खबर अपडेट जुड़ा रहो जल को झुंझुनू के साथ।